अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिल सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर स्टेपलाइजर। इस तरीके से आपको बताया कि लोग कंप्यूटर लेते हैं और स्टेपलाइजर का इशू रहता है कि कौन सा स्टेपलाइजर सही है, तो मैं आपके लिए आज एक स्टेपलाइजर लेके आया हूँ जो कि बहुत कंप्यूटर के लिए बहुत यूज़फुल है। तो जिस तरीके से लोग कंप्यूटर लेते हैं उसके बाद स्टेपलाइजर नहीं लेते तो कोई वोल्टेज वगैरह आता है, टच अप एंड डाउन हो जाता है, इसकी वजह से उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। वैसे तो बहुत से लोग यूज़ करते हैं स्टेपलाइजर, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, जिस तरीके से उसका भी स्टेपलाइजर अगर आप यूज़ करना चाहें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो स्टेपलाइजर है ये मखसूस जो है कंप्यूटर के लिए है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है इसका डब्बा देखें, इंटरफेस देखें, सर्वोमैटिक ये कंपनी का नाम है जो कि स्पेशली जो है कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, ये इसका डब्बा है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये इतना वोल्टेज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सिल्वर नहीं कॉपर वायर है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है बेसिकली मखसूस कंप्यूटर के लिए है। तो ये कंपनी है सर्वोमैटिक जो कि बेसिकली कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये अभी नहीं लिया मैंने, तकरीबन 2-3 महीने हो गए इसका मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप लेने जाएंगे, आप बात करते हैं आप इसके प्राइस की, अगर आप यूपी पे लेने जाएंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सदर। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप जाइए सदर मार्केट, वहाँ से आपको बहुत सारे स्टेबलाइजर मिल जाएंगे। अगर आप दिलचस्प कंप्यूटर के लिए लेना चाह रहे हैं तो बॉक्स में देखें, अक्सर लोग आए होते हैं कंप्यूटर के लिए स्टेबलाइजर चाहिए तो वो कोई से भी स्टेबलाइजर उन्हें दे देते हैं। बेसिकली इस पर लिखा हुआ भी है कि बेसिकली ये कंप्यूटर के लिए है, जैसे आप देख सकते हैं सूटेबल फॉर कंप्यूटर। तो ये बहुत अच्छा स्टेबलाइजर है। अगर आप बात करें आप इसकी, ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ उसको चला के दिखाऊँ, इसकी आवाज़ आई और ये इसकी लड़ाई जुड़ गई। देखिए 220 वोल्ट जो है पाकिस्तानी का स्टैंडर्ड वोल्टेज आता है। ठीक है, इसके पीछे आप ये देखें 110 वोल्ट यहाँ ऑप्शन दिया है, इसके बाद अगर आप इस तरह का एक्सटेंशन लगा सकते हैं और इस तरह का एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। और ये देखें आप, ये देखिए जी भी है फ्यूज़ वगैरह। तो मेरे ख्याल से ये कंप्यूटर के लिए तो बहुत अच्छा है, ये मैंने यूज़ किया है। आप 12-13 हज़ार रुपये का या इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर लेते हैं, सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में आपका कंप्यूटर लॉस हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये स्टेबलाइजर लें, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये है कि रही बात इसकी प्राइस की, तो ये जो है आपको तकरीबन यूपी में मिल जाएगा 3,000 से 3,500 रुपये का, जो कि मेरे ख्याल से बहुत महंगा है। अगर आप ये चीज़ जाके सदर में लें तो आपको तो बहुत ही डिफरेंस है, तो आप जाके खुद अंदाज़ा कर लेगा आप, पता नहीं अगले सालों में क्या होगा, कितने का रेट हो जाएगा। तो फिर यही है कि आप जो है, और रही बात इसकी ये कि आपने ये मैंने कितने का लिया है, तो ये जानना है आपको, और बाकी जानना है तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपको मैं बताऊंगा कितने के लिए। और बाकी बहुत सस्ता तकरीबन मुझे मिला है। अगर आप नॉर्मल स्टेपलाइजर लेने जाएंगे तो वो भी आपको 3,000 रुपये या 3,500 रुपये का आपको मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसको प्राइस बता दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।